हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीता स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर सवाल है 784। तो 784 के ऊपर में वर्गमूल लगा हुआ है यानी कि अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको हमें निकालना है वर्गमूल। तो इसको हम निकालते हैं अभी अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो क्या करेंगे कि 784 है तो 784 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए, दो से लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या दो से लगाते हैं। दो तिया छह, एक चला गया इसमें, तो ये हो गया 18। तो दो नवा 18 और फिर दो दुना 4, फिर इसको देंगे दो से। देखिए, दो एकम दो, यहाँ पर है 3, एक चला गया इसमें, तो ये हो गया 19। ये जाएगा दो नवा 18 और एक फिर चला गया, तो ये हो गया 12, यानी कि 2 × 6 = 12। अब ये हो गया 196। फिर दो से दीजिए, दो नवा 18, एक चला गया इसमें, तो 16 हो गया, 2 × 8 = 16। फिर दो से लगाइए, 2 × 8, एक चला गया, तो ये 2 × 9 = 18। अब ये हो गया 49। अब ये जाएगा 7 से, 7 × 7 = 49। तो यहाँ पर देखिए, 2 × 2 × 2 कितना बार आया, 1, 2, 3, 4 बार। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार हो गया। और फिर 7 जो है वो आया है कितना बार, 2 बार। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वर्गमूल हम लोग जब भी निकालते हैं तो दो दो का पेयर बनाते हैं। तो दो दो ये पेयर बन गया, फिर दो दो एक पेयर बन गया, और फिर सात सात पेयर बन गया। उसके बाद क्या करेंगे कि दो दो का जो पेयर बना है उसके बाद उसको एक बार गुना करेंगे। तो दो हो गया गुना इसके बदले में दो, और फिर इसके बदले में 7। तो इस तरह से आप गुना कर दीजिए। तो ये देखिए, 2 × 2 = 4 और 4 × 7 = 28। तो इस तरह से 784 का वर्गमूल निकल गया 28। तो लिख सकते हैं, इसलिए 784 का वर्गमूल 28 आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको 784 का वर्गमूल निकालने के लिए समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अंडर रूट में 81 और गुणा में है 121। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 81 और 121 का गुना करें और फिर उसका हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल निकालें तो हमें बहुत बड़ी संख्या बन जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए छोटी संख्या रखने के लिए क्या करना होगा कि ये जो 81 है यहाँ पर और ये जो यहाँ पर 121 है उसी का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 81 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो 3 से दीजिए, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 और यहाँ पर चला गया 2, तो 3 × 7 = 21। फिर 3 × 3 = 27 और फिर 3 × 3 = 9। तो इस तरह से 3 × 3 × 3 × 3 देखिए जोड़ा लगा दीजिए, तो ये हो गया 3 × 3, यानी कि जोड़ा लगाने के बाद हम लोग एक एक बार लिखते हैं, तो ये हो गया 9, यानी कि 81 का वर्गमूल हो गया 9। अब यहाँ पर 121 का निकालिए। तो 181 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 11 और 11। तो 11 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो 11 × 11, तो ये जोड़ा लग गया, तो 121 का वर्गमूल हो गया 11। अब यहाँ पर देखिए, अंडर रूट 81 × 121, इसलिए अंडर रूट 81 × 121। तो देखिए, 81 का वर्गमूल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया, 9 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। और फिर 121 का कितना आया, 11। तो इस तरह से हम डायरेक्ट गुना कर देंगे, 11 × 9 = 99। तो इस तरह से रूट अंडर 81 × 121 का वर्गमूल हो गया 99। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वर्गमूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम तीसरा में, यहाँ पर है अंडर रूट 25/9। तो देखिए, अंडर रूट जो है वो अंश पर भी है और हर पर भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 25 का वर्गमूल। तो अगर हम 25 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये कितना होगा, 5 × 5 होगा, और बटा में,
9 है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 3 होगा। तो इस तरह से देखिए 5 और 5 आ गया, तो ये जो 5 और 5 है इसको जब हम जोड़ा लगाएंगे तो 5 5 का जोड़ा लगेगा और 3 गुना 3 है तो 3 3 का जोड़ा लगेगा। जोड़ा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको निकालना है वर्गमूल, तो दो दो का पेयर बनाते हैं। और अगर हमको निकालना घनमूल रहेगा तो घनमूल में हम लोग 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, तो ये हो गया 5 और बटा में 3। अब यहाँ पर अंडर रूट हट गया, तो इस तरह से 25/9 का अंडर रूट रहेगा, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5/3। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वर्गमूल निकालने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।